और तुम गाइस, हमने सबसे पहले जो है ना एक बॉल ले लिया, उसके अंदर हमने पहले आधा कप नीम गर्म पानी किया है। उस बॉल के अंदर हमने उस पानी को कन्वर्ट कर दिया है आधा कप लेने के बाद नीम गर्म करके। फिर हमने 1 टेबल स्पून उसमें ईस्ट डाली है। ईस्टर्न ईस्ट में दिखा दूँगा आपको, ये देखिए किस तरह की होती है, आपको मार्केट से ईजी अवेलेबल हो जाएगी। मैंने ये यूज़ की है, इसमें हमने 1 टेबल स्पून ईस्ट का डाला है पानी के अंदर। उसके बाद 1 चम्मच हमने चीनी का डाला है और थोड़ी सी चुटकी हमने नमक की डाल के उसको मिक्स करके 10 मिनट पहले हमने उसको रख के छोड़ दिया है। उसके बाद हम दूसरे बॉल में 2 कप हम मैदा लेंगे और उसको छान के 2 कप मैदा हम उसमें रख देंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो वो जो हमने ईस्ट वाला पानी था उससे हमने आटे को गूंद लेना है, और ज़रूरत पड़े तो आप पानी और यूज़ कर लीजिएगा, नॉर्मल जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे। उसके बाद हम जब आटा गूंद देंगे तो उसके बाद हम उसको एक जार में, जो टाइट जार होता है, हम उसके अंदर उसको कवर करके रख देंगे, ताकि अच्छी तरीके से कवर करिएगा ताकि जो है ना आटा फूल जाए, काफ़ी हद तक फूल जाए, ठीक है। उसके बाद हम तकरीबन 1 घंटे के लिए उसको कवर करके रख देंगे, 1 घंटे हम कवर करके उसको रख देंगे। फिर इसके बाद हम उसको निकालेंगे, वो डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हम इस तरह से रोटी की शेप में इसको बेल लेंगे, लेकिन काफ़ी मोटी मोटी बेलिएगा। फिर हम उसको इस शक्ल में, सर्कल वाली शक्ल में करके हम उसको कटिंग करके इसमें रख देंगे। और देखिए ये इसको भी इस तरह से रखने के बाद इसको आप छोड़िएगा, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट रखेंगे ना आप तो ये और मज़ीद थोड़े से फूल जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये और मज़ीद ऊपर आ गए, ठीक है। ये काफ़ी हद तक ये देखिए ये फूल चुके हैं, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस शेप में आ गए, काफ़ी फूल गए, ये देखिए। और तकरीबन 2 कप मेरे मैदे से ये इतने सारे ये आपके मतलब ये डोनट्स तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसको 10 मिनट हम छोड़ देंगे। 10 मिनट छोड़ने के बाद अब हमने ये तेल हम गर्म करने रख देंगे, ये देखिए रख देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अब ये देखिए मैं आपके सामने इसको डाल के दिखाती हूँ, हमने इस तरह इसको डाल दिया, ये देखिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए कितना ज़बरदस्त और मज़ीद ये फूल गए, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये देखिए, ये देखिए। फिर हम इसको टर्न कर देंगे, फिर हम इसको निकाल देंगे, देखिए माशाल्लाह, ये देखिए। और डाल देते हैं, ये देखिए गाइज ये हमारे डोनट तैयार हो गए, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, हम चॉकलेट में डीप करेंगे। ये रही हमारी चॉकलेट, इस हमने इसको इस तरह से डीप किया, ऐसा ही हमने निकाला इसको, ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर दूसरा लिया हमने, इस तरह से डीप किया ऐसे, ऐसे इस पर हमने चॉकलेट लगाई, ऐसे रख दिया, हमने चॉकलेट लगा दी इसके ऊपर, हमने इस तरह से चॉकलेट लगा के इस तरह से यहाँ रख दी। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने इस पर स्प्रिंकल लगा दिए, बहुत मज़े के बनते हैं, बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपके बच्चे खाना नहीं भी खाएं तो आप आराम से इजीली उनको ये खिला दें, बच्चों के खाने की नो टेंशन नो परेशानी, इजीली आराम से बच्चे खा लेंगे, बहुत शौक़ से खाते हैं। कलरफुल तो ज़्यादा बच्चों को पसंद होते हैं, इस तरह से कलरफुल ये लगा दीजिए, कोई भी चॉकलेट के पीसेस आप ला के लगा सकते हैं कलरफुल, इसमें स्ट्रॉ लगा दें बच्चों के लिए। बच्चों को इजीली आप स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं, आराम से इजीली लंच बॉक्स में डालें आप बच्चों को दे दें, इस तरह की चीज़ें बच्चे ना घर में बहुत शौक से खाते हैं, कलरफुल होती है ना इसलिए।
बनाइए, एंजॉय करिए, खाइए।